हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे आप परमानेंटली डिलीट करोगे। सो हे गाइस, आई एम सोहन, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल सोहन टेक टिप्स। सो गाइस, क्या है, सब व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर रहा है। क्यों अनइंस्टॉल कर रहा है? क्योंकि व्हाट्सएप ने नया अपडेट दिया है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर और वो सबको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सब व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर रहा है, फिर अदर्स एप्लीकेशन में जा रहा है। लेकिन अगर आप अनइंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हो, तो अगर आप अनइंस्टॉल कर दिया अपने व्हाट्सएप अकाउंट को, तो सिर्फ आपका जो व्हाट्सएप ऐप है वो अनइंस्टॉल होगा, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। तो आप कैसे अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करोगे, जिससे कोई अगर आपका व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा तो वो वहां पर आपका नंबर से व्हाट्सएप नहीं दिखाएगा। तो बहुत सारे को पता भी नहीं है कैसे परमानेंटली डिलीट करते हैं व्हाट्सएप अकाउंट को, जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आप भी अपना व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाओगे। सो गाइस, एनी वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर 3 डॉट पे आपको ओके करना है। 3 डॉट पे ओके करने के बाद सेटिंग्स पे आपको जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट का जो ऑप्शन है, अकाउंट पे आपको जाना है। अकाउंट पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आप देख सकते हो डिलीट माई अकाउंट लिखा है, तो डिलीट माई अकाउंट पे आपको ओके करना है। आप जब डिलीट माई अकाउंट पे ओके करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंट्री का ऑप्शन है, तो आप अगर इंडिया से हो तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हो तो आप आपका कंट्री है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन है, तो आपका जिस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट है उस नंबर को यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप भी आपको व्हाट्सएप का जो नंबर है, मतलब व्हाट्सएप जिस नंबर से आपने क्रिएट किया था उस नंबर को यहाँ पर आपको दे देना है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने मेरा नंबर दे दिया, फिर यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो पहले लिखा है सिलेक्ट ए रीज़न, मतलब किस लिए आप अकाउंट डिलीट कर रहे हो, तो वो रीज़न पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो आधार का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आधार पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हाउ कैन वी इम्प्रूव लिखा है, मतलब आप अगर चाहते हो कि व्हाट्सएप की तरफ से वो इम्प्रूव हो, वो ठीक हो जाए, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप ना लिख के भी आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, डिलीट माई अकाउंट नीचे लिखा है, तो डिलीट माई अकाउंट पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद डिलीट माई अकाउंट पर फिर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिलीटिंग हो रहा है। तो गाइज, आप देख सकते हो मेरा जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। तो अब अगर कोई मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो अगर कोई सर्च करेगा तो उसको नहीं दिखाएगा कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया है। तो ऐसे आप भी परमानेंटली डिलीट कर सकते हो व्हाट्सएप अकाउंट को। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा, थोड़ा भी पसंद आया, तो जरूर वीडियो देना एक लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।